प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया भाई बाबूजी, अरे खांसी की दवाई मंगवाई थी ना आपने, बाबूजी अगर ज्यादा खांसी हो तो डॉक्टर को मिलाइए, मिल के आते। इतनी भी खांसी नहीं है। दया, अरे ग्लास ठंडा पानी तो पिला। ए भाई, ये ठंडी के मौसम में भी फ्रिज का पानी पिएगा? अरे मटके का पानी ला, ठंडा। ओ ठंडे में मटका भी ठंडा ही होता है ना बाबूजी। लीजिए। पानी पी के पेट भरेगा तो फिर खाएगा क्या? फिर आधी रात को उठ के वो वनेचर की तरह सब डिब्बे खोलेगा और गांठिया और पापड़ी ठूसेगा। बाबूजी, वो जबलपुर से एक पार्टी आई थी तो उनके साथ में खाना खा के आया हूँ। मतलब घर का खाना बिगाड़ेगा? बाबूजी, वो टप्पू के पापा ने मुझे पहले से फोन करके बता दिया था कि वो बाहर खाना खाने वाले हैं। क्या कर रहे? दो तीन मच्छर हो गए घर में बाबूजी। दादाजी, 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 चलिए 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 जल्दी। अरे कहाँ ले जा रहे बाबूजी को? दादाजी को मुझे मेरा एक प्रोजेक्ट दिखाना है। तो बाबूजी आपको जाना ही पड़ेगा। चलिए दादाजी, जल्दी जल्दी जाना ही पड़ेगा। बाबूजी कहाँ जा रही है? अंदर। अच्छा, मैं जब यहाँ बैठ के अंदर जाने का इशारा कर रहा था तब मेरे इशारे तो समझ में नहीं आ रहे थे। इशारा कब? ओ हो हो, देखो तो बोली कोयल, इशारा कब? मैं यहाँ बैठ के बोल रहा था अंदर समझ गए बाबा, मुझे आपके इशारे समझ में आए, लेकिन मेरे कौवे के मन में क्या है वो समझ में नहीं आया। अच्छा, झूठी। दे, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप मेरे लिए कौन सा तोहफा लाए हैं? अच्छा चल बता। आपने मेरे लिए हीरे के झुमके लाए हैं। हीरे के झुमके? ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, हीरे के झुमके दे। हाँ हाँ हाँ, आप मेरे लिए हीरो का हार लाए होंगे। हीरो? ठीक है ठीक ठीक
छोटी सी जर्न में हीरो का हार कहाँ से आ सकता है दया? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं मैं बताती हूँ। एक चांस प्लीज, एक चांस। ठीक है, चल बता, तू ही बता। हाँ, आप मेरे लिए अहमदाबाद की टिकट लाए होंगे, है ना? रहने दे, मैं ही बताता हूँ। अरे संभाल तो सही, तू खड़ी है उधर दया। अरे आप भी ने बोला ना कि ठीक है रहने दे तो फिर मैं बात। अभी समझ में आ गया, इधर सब ठीक नहीं है, इधर हाथ दे। क्या बराबर है? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कचरा। हाँ। ये देखो दादाजी मेरा प्रोजेक्ट। अरे वाह अपूरा, ये तो बहुत अच्छा है। अरे ये तो एकदम अपने गोकुलधाम सोसाइटी जैसा लग रहा है। अरे दादाजी ये गोकुलधाम सोसाइटी का ही मॉडल है। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था। हाँ। कि एक अच्छी और आइडल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बनाया। अरे वाह टपुड़ा वाह, बहुत अच्छा बनाया है तूने। अच्छा टपुड़ा मुझे एक बात बता, ये सब क्या लिखा है तूने? दादाजी ये यूनिटी यानी एकता। वाह। ये है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। और ये है सेलिब्रेशन फॉर एवरी फेस्टिवल यानी कि हर त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। हाँ वो तो है। और टपुड़ा यहाँ पे और एक चीज लिख दे कि ये सब है इसलिए यहाँ पे खुशियाँ भी है यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, वेरी गुड सजेशन दादाजी। हाँ और टपुड़ा ये देख, ये यहाँ पर एक बड़ा सा तिरंगा भी होना चाहिए। करेक्ट दादाजी। आज मेरी चिड़िया चहकी। चिड़िया नहीं कोयल। बात क्या है आज एकदम आवारा मूड में? हाँ आवारा नहीं पागल दीवाना। पगले को ही क्या दया। देख आज शनिवार है, कल रविवार है, जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है, तो आज बेडरूम में एसी चालू करके गुजराती पिक्चर देखते हैं। रेदो खुद तो फिल्म देखते देखते सो जाते हो, फिर दूसरे दिन मेरी परीक्षा लेते हो। परीक्षा कैसे? मुझे पूछोगे कहानी कैसी थी, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हीरो कौन था, फिल्म का नाम क्या था। अच्छा बाबा आज मैं नहीं सोऊंगा बस। सच? अरे टपुड़ा जिंदगी के स्कूल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और उसी के अनुभव से तो इतना ज्ञान मिला है। मतलब ये टपुड़ा कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जो इंसान अपने आप सीख जाता है। जैसे चलना हमें माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन भागना दौड़ना हम अपने आप सीख जाते हैं, खेलना कूदना हम अपने आप सीख जाते हैं, है ना? You are right, दादाजी। अरे I am always right. दादाजी, आप और इंग्लिश? अरे तेरे से ही सिखाऊं टपुड़ा, तू पूरा दिन बोलते रहता है तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया है। वाह दादाजी वाह, आपका कैचअप पावर तो बहुत ही अच्छा है ना। अच्छा सुन टपुड़ा, मैंने तुझे जो बोला है वो सब तू कर, मैं तब तक खांसी की दवाई लेके आता हूँ। ओके दादाजी। झूठ कहे क्या, कहाँ जा रही है? आई लव यू बोल। बोल आई लव यू। आई लव यू बोल। आई लव यू बोल। बोल आई लव यू बोल। नहीं बोलेगी? हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्यार से आई लव यू।
आई लव यू रे। अरे दादाजी आप दवाई नहीं ले आए? नहीं वो भूल गया। कोई बात नहीं मैं लेकर आता हूँ। अरे सुन ऐसे ही जाएगा तो कैसे जाऊँ? अरे तेरे मम्मी पापा को पता तो चलना चाहिए ना कि तू वहाँ जा रहा है। क्यों वो क्यों भी मत पूछ, मैं तुझे बोलता हूँ उतना कर। तू वहाँ मम्मी पापा मैं आ रहा हूँ ऐसे बोलते हुए जाना, और वो दवाई टिपो पे ही पड़ी है। जा। ओके। भाई तो क्या स्कूल में को राजा महाराजा का नाटक कर रहा है? नहीं तो फिर ऐसा घोषणा करते हुए क्यों आया? वो दादाजी ने बोला इसलिए। क्यों पता नहीं, पहले दादाजी दवाई लेने आए थे लेकिन वो खाली हाथ वापस आ गए, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन कहा कि आवाज देते हुए जाना इसलिए। दादाजी की दवाई यही है ना? ओके पापा मम्मी टप्पू जा रहा है। अरे तो जाना भाई। बापूजी ने कहे अब क्या करें? अब क्या सो जाओ चुपचाप। Come on, Gogi. और टप्पू देख मैं कैसे बॉलिंग डालता हूँ। एक गोगी तू बॉल डाल रहा है कंचे खेल रहे? हाँ। और टप्पू ये तो ट्रायल बॉल था, अब देख मैं बैट बॉल की तरह बॉलिंग डालूंगा। एक गोगी ये ब्रेड बॉल कौन है? और पिंकू ऑस्ट्रेलिया का ब्रेटली और न्यूजीलैंड का शेन वॉन, दोनों की स्टाइल मिक्स करके बॉलिंग करूंगा। हाँ भाई हाँ बराबर, अभी तो बॉल डाल। कम ऑन ब्रेड बॉल डाल डाल डाल। कौन होगी? अरे दया प्याट हाजिर है। वाह। और गैस पर चाय रखी है, अभी बन के आ जाएगी। शाबाश। ओहो वाह वाह, रविवार सुबह की हो घड़ी। रविवार सुबह की हो घड़ी, लगी है फाफड़ा जलेबी की लड़ी। ओहो सुबह सुबह शायरी की कड़ी। थैंक यू, लगता है पसंद आया। एक और सुनिए। बस आज के लिए इतना काफी है, अभी नेक्स्ट संडे सुनाना। हाँ टप्पू के पापा मैं क्या कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूर कोई बड़ा हंगामा होगा। क्या बोल रही है तू? हाँ। क्यों तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इन्फ्लुएंसर। क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है। कौन कह रही है? छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है। अरे भाई समझ में आ गया। दया देखा रविवार की सुबह है, बापूजी भी आसपास नहीं है, मुझे शांति से जलेबी फाफड़ा का नाश्ता करना दे, बाद में तुझे जो बोलना है तो बोलना। देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आज सुबह से हमारे घर की खिड़की पर कौआ रो रहा है। कौआ रो रहा था? हाँ। तुझे कैसे पता चला कि कौआ रो रहा था? देखिए आमतौर पर कौआ ऐसे ऐसे बोलता है, लेकिन आज ये कौआ ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो कौआ था क्या बकरी? क्योंकि ऐसे ऐसा तो बकरी बोलती है। अच्छा देख क्या बकरी होगी। अरे क्या आप भी बकरी थोड़ी ना बारी पर चढ़ सकती है, वो कौआ ही है। अरे तो उसके गले में खराश होगी, कोई दवाई बवाई दे भाई, जाने खाने दे मुझे। देखिए मेरी माँ ने मुझे बराबर समझाया है कि कौआ ऐसे ही रोता है,
आप मानोगे नहीं, बचपन में हमारे अहमदाबाद के घर की खिड़की पर कौआ ऐसे ही रोया था और मेरा मेरा सुंदर गुम हो गया था। क्या बात कर रही है? सुंदर गुम हो गया था तो फिर वापस मिला क्यों? मतलब मिला कैसे? वो हमारे अहमदाबाद की पोल के सब लोग फटफटी लेकर सुंदर वीरा को ढूंढने निकले, तब जाके काकरे तालाब के पास से वो मिला। फटफटी वालों को पकड़ पकड़ के फटके देना चाहिए। कुछ नहीं, अबे होने को कौन टाल सकता है। और पता है, आज सुबह सुबह मुझे खतरनाक सपना भी आया है। सुनिए तो सही, हम दोनों भवनाथ नाव में बैठकर जा रहे हैं। मंद मंद हवा लहरा रही है और आप सर सर हलेसा मार रहे हैं, लेकिन अचानक आपके हाथ से हलेसा छूट जाता है। रुको, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि दया चिंता मत कर, मेरे दो हाथ है ना, मैं ये दो हाथ से नाव चला लूंगा। ये सब मैं कहता हूँ? हाँ, और आप दोनों हाथ से ऐसे 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 नाव को चला रहे हैं, लेकिन अचानक तालाब में से एक बड़ी सी मछली निकलती है और आप क्या कर रही है भाई? तू सुबह सुबह डरा रही है मुझे इतना? रविवार की सुबह मुझे शांति से जलेबी पापड़ा खाने देना भाई, या क्या मछली आती है, करती क्या है सब? जा चाय लेके आजा। सपना तो सपना होता है, सपना आता तो देख लो। तो अबे तेरी तो ठंडे हो गए जलेबी फाफड़ा। क्या बोले स्टार सश्रीकाल। ए टूडी टूडी या टूडी, ओ पिंकू है के नहीं? जल्दी पिंकू जल्दी। अरे टप्पू ये बॉल तो गंदा हो गया। अरे कोई बात नहीं, खेलते खेलते साफ हो जाएगा। हाँ तू बॉल दे। हाँ ये ले गोली। कौन बैट कौन? अरे अरे देवा, अरे टप्पू ये कोई तरीका है खेलने का क्या है ये? वो भिड़ंगल बॉल का निशान। एक तो मेरी अच्छी खासी दीवार गंदी कर दी, ऊपर से मजाक कर रहे हो। भिड़ंगल वो निशान बहुत गंदा लग रहा ना। तो एक मिनट पिंकू पकड़। हाँ ये शी, अरे ये गधड़िया, ये टप्पू, अरे ये टप्पू, अरे काय कर तो टप्पू टप्पू दोस्तों। तीन चीजें जीवन में कभी नहीं रुकती, इंसान की बढ़ती उम्र, कॉलेज में पनपती मोहब्बतें और टप्पू की शरारतें। अब देखिए ना, टप्पू की ये बॉल हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े के बदकिस्मत सर पे आ लगी। अब बदकिस्मत सर इसलिए कि पहले तो भिड़े अपने सर के बाल से परेशान थे, अब टप्पू की बॉल से। भाई भिड़े की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, तीन चीजें उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ सो विचार, माधवी भाभी के पापड़ और अचार और टप्पू से तकरार। अब देखिए ना, टप्पू से तकरार हुई, ये बॉल लगी, अब भिड़े शिकायत करेंगे जेठालाल से, और जब जेठालाल से शिकायत करेंगे तो हंगामा होना ही है गोकुलधाम सोसाइटी में, और जब होगा हंगामा तो फूटेंगे हास्य के बॉम्ब। और हास्य के बॉम्ब आपको सुनने के लिए देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई बेहद छोटी सी चीज, आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का अगला एपिसोड। लेकिन अगला एपिसोड जो है वो बेहद खास है, ऐसा खास जिसने इतिहास बना दिया है, क्योंकि अगला एपिसोड 500वां एपिसोड है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 500 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आप सोचिए तो, भारतीय टेलीविजन के हास्य की दुनिया में एक ऐसा धमाका जो न पहले देखा न सुना, लेकिन आप उसे देखेंगे भी, सुनेंगे भी, महसूस भी करेंगे। लेकिन ये फासला नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये तो एक रास्ता है जो हमने तय किया है, लेकिन इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है, आपको इसी तरह हंसाना है। आपके घरों में हमें बिजली की जगह हास्य की जगमगाहट करनी है, आपके चेहरों की हंसी हमेशा बरकरार रखनी है, ये मुस्कुराहट हमारे देश में, हमारे समाज में और सारी दुनिया में जिंदा रहे, ये हमारा प्रण है। 500 एपिसोड तो एक छोटा सा मुकाम है,
आगे आगे देखिए होता है क्या। हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे और आप हमारे लिए तालियां बजाते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।